ए बबल्या चिंटा पिंटा जल्दी उठ रहे, गाड़ी निकल रहा। मैं उठो जल्दी जल्दी, आंग पे चढ़ा दूंगा। जल्दी से उठो, उठो जल्दी से, जल्दी से उठो। अरे पा, अरे पा, दिन मिलेंगे कल थोड़ी खुशियां, थोड़े से ये पल। मैं ये दिन मिलेंगे कल थोड़ी खुशियां, थोड़े से ये पल। एक बार चली गई। सबसे स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे हो और आप सभी को गुड मॉर्निंग। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मॉर्निंग है जस्ट 5 बज रहे और मैं जस्ट 4 बजे उठा था। सो फ्रेश वगैरह हो चुका और आज सुबह सुबह ना एक पानी की बॉटल लिए और एक छोटी बॉटल ले रहा हूँ मैं अपने साथ में, क्योंकि पिछले 4 से 5 से 6 दिन हो गए, अभी 5 दिन हो गए, 4 दिन होगा मुझे नहीं पता। एक चीज़ पक्की है कि हम लोग ने हमारे प्लांट्स को ना पानी बिल्कुल भी नहीं दिया गैस। तो फिलहाल बॉटल इधर रख देता हूँ ये दोनों, और ये जितने भी हमारे 11 ने मतलब 10 प्लांट्स हैं ये सबको पानी भर देता हूँ फटाफट। और ये जो वापस से मर चुका है ये देखो भाई, इसकी हालत देखो, एकदम ऐसा मतलब लटक गया ये। और बाद में तुम लोग देखते हो इसको, एकदम ये सीधा हो जाता है बाद में। सो और हमारा ये वाला प्लांट्स भी अच्छा है, बट इसको मैं दिखा के नहीं ला रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है भाई, एकदम अच्छा था। और एक बार कमेंट में बताना कि यस्टरडे वाला व्लॉग तुम लोगों को कैसा लगा, और जो हमारे गणपति पप्पा थे वो कैसे लगे तुम लोगों को। और ये बार हम लोग ने एकदम सादा सिंपल रखा और इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, मजाक से हट के। मम्मी किधर है भाई? मम्मी जालीस फ्रेश? जाऊ मग पानी काटलं झाडांना, सकाळी पाणी काटलं झाडांना, सगळ्यांना काटलो। हाँ, वो झाड वगैरह ना थोड़ा कभी कभी हम लोग कभी कभी मतलब ध्यान दे नहीं पाते। पहले एक झाड जब भी रहता था ना हमारे पास प्लांट, तो मम्मी दे देती थी उसको पानी, मैं बिल्कुल नहीं देता था। अभी जब 11 है ना, मम्मी एक प्लांट को नहीं देती पानी और सारे प्लांट्स को मैं देता हूँ पानी। हमको पता चल चुका है कि अभी हम लोग जा रहे तो इतना उदास होकर बैठी है ना, इसको पता है कि अभी हम लोग गए ना डायरेक्ट दोपहर में आते हैं भाई। इतना तो डॉग लोगों को समझ जाता है कि आदमी ये टाइम पर रोज़ सुबह किस लिया जाता है और कभी आता है, क्योंकि रोज़ देख देख के ना इसको अभी हैबिट गिर चुकी है, इसको प्रैक्टिस हो गई है कि क्यों जा रहा है और कभी तक आ रहा है। तो उसी लोग मैं आ जाएगा, मतलब मेरा बच्चा, मतलब आंसू गिर रहे देखे देखे, मतलब जाता हूँ मैं, बाय बाय। जाने का मम्मी, चलो मैं मम्मी को वहाँ पर ड्रॉप कर दूँ वाले घर पर, मम्मी कांदा वगैरह कटिंग करेगी और मैं तभी देखना वैन लेके आ जाऊँगा। अगर मैं शेरू और डैडी ने मिलकर ना सब कुछ सेटिंग वगैरह कर लिया तो मम्मी को मैंने छोड़ दिया अंदर, मैं चलता हूँ गाड़ी लेकर। बबल्या चिंटा पिंटा जल्दी उठ रहे, गाड़ी निकल रहा। मैं उठो जल्दी जल्दी। भाई क्या है भाई, यहाँ पे आवाज कर रहा। एक चीज बता दो, मैं तुम लोगों गाड़ी इतने साल से चला रहा हूँ बट गाड़ी की चाबी कौन सी है ना भाई, सुबह सुबह बहुत कंफ्यूज होता है और हमेशा ना मैं एक गलत चाबी हमेशा यूज करके देखता हूँ कि कौन सी गाड़ी की चाबी लगने वाली, और फाइनली ना ये बड़ी वाली लग जाती है। चलते फटाफट झड़ा झड़ा लेट्स गो, आग पे चढ़ा दूंगा। जल्दी से उठो, उठो जल्दी से, जल्दी से उठो, उठो जल्दी से, भागो। भाई एक बात की गारंटी, कल से ये लोग मेरे को नहीं आने दे रहे भाई, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है आ गया मैं पढ़ ले। और ए वो आलू दाल बना क्या सांबर का, हो गया क्या? मैं बट्टी रखू क्या? 10 मिनट रुक के लगाओ, नहीं 2 जारा बन जाता वैसे भी 1 घंटे में। क्यों? ठीक है चलिए, 1 जारा फिर आराम से निकल लेता, 1 ही जारा डाल रहे ना भाई, एकदम आराम से डालेगा, 6 बजे डालेगा और 20 मिनट है, 6 बजे 20 मिनट थोड़ा खा पी लेते वैसे, सुबह सुबह चाय और खारी वगैरह खाते, क्योंकि और इसको 10-10 मिनट रहेगा पकने के लिए। इसमें आलू है और इसमें जो सांभर में जाती है ना वो वाली दाल है, तो डायरेक्ट 1 जारा डालने का तो 6 बजे डालता मैं बराबर। अरे एक थारा डालता मैं, इतनी निकाल के रखता बाकी खाली रखता, तो सुबह कस्टमर को क्या देंगे उधर जाने के बाद डालेंगे तो, है क्या ना मम्मी? मम्मी है क्या? नहीं मेरे डैडी ने ना सुबह सुबह पलटे मार दिए भाई, ऐसे पलट गए ना मेरे डैडी। अभी मेरे को बोले 2 जारा इडली डालने, तो अभी 2 जारा इडली डालता हूँ भाई।
मैं सोच रहा था आराम से टाइम पास वगैरह करूँ, बट टाइम पास वगैरह नहीं, अभी काम करना पड़ेगा वापस। चलो ग्यारह साल क्या हो चुका, और मम्मी ना अपने हाथ से बहुत प्यार से ना मुझे खाई और चाय बनाई है। मम्मी ने अपने प्यारे हाथों से, मम्मी ने मम्मी आखी जल रहा, मम्मी आखी जल रहा, कांदा मत काटो, मम्मी बाहर जाके काटो ना, आखी जल रहा, मम्मी बाहर जाके। अच्छा इग्नोर कर रही है मम्मी, सुबह सुबह हनुमान चालीसा सुन रही है मम्मी। गाओ 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 ना, मेरी मम्मी इतना आप मुंबई आ रहे हो, बॉम्बे आ रहे हो आप भाई, मेरी मम्मी सुन रही है सुबह सुबह मेला दिलों का, आता है एक बार आके चला जाता है भाई। एक बार चली गई दूर के नहीं आ रहा, अभी गाना नहीं आ रहा, अभी गाना नहीं आ रहा। मैं ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियां है थोड़े से ये पल, एक बार चली गए दूर क्यों न जाने। अरे मम्मी आगे गाओ ना, मम्मी मुंबई नहीं आएगी भाई, मम्मी मुंबई बिल्कुल नहीं आएगी। मेला हम लोग रेडी हो चुके हैं और गाड़ी जाने का टाइम आ चुका है, तो अभी गाड़ी वगैरह सब कुछ सेट हो गया और आनंद भी जा रहा है अपना गाड़ी लेके। सो चलते फटाफट काम करते हैं और आप लोगों में और शेयर मिलेंगे कभी, एक दो बजे पूरा काम होने के बाद। स्टे ट्यून्ड। मच 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 लेटर। आज भाकरी बना रहे क्या? चपाती? फिर चपाती चपाती रो, भाकरी कभी बनाएंगे? भाकरी अभी मत बना, श्रावण का महीना हो रहा, शुक्रवार को खत्म, रविवार के 21 दिन भाकरी बना प्लीज, बाकी दिन नहीं, ठीक है ना? भाजी की आई समझ गया ना तुमको क्यों? भाजी की बस भाजी की नहीं, ठीक है। बट एक सीन है गाइस, सीन ये है कि काम वगैरह सब कुछ हो चुका है और अभी कुछ हुआ नहीं, अभी मेरी जॉब कंप्लीट हो चुकी है, अभी टोपी निकलने का टाइम आ चुका है, और ये टोपी कचरे में, और मम्मी को भी, मम्मी डैडी ने नाश्ता भेज लिया उधर, दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। चलो पहला बैठ गए, जल्दी बैठने का, निकलो प्लेट वेट में। चलो मम्मी के साथ नाश्ता करता बैठ के, और मम्मी के साथ ना काम भी करने का, मम्मी का अच्छा है, पहले बैठ के प्यार से खिलाओ फिर बाद में काम करके आई के ना मम्मी हाँ वो तो। सो और एक बार कमेंट में बताना कि कल हमारे गणपति पापा कैसे लगे तुम लोग को? हाँ मम्मी मस्त था ना, एकदम एकदम, ये बार सादा सिंपल, नहीं 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 वैसे नहीं, बहुत अच्छा लग रहा, पर नहीं मम्मी गणपति छोटा नहीं पर बड़ा है, कैमरा में ऐसा छोटा दिखता, असली में जब भी दिखते ना बड़ा है गणपति, पता है क्या तुमको? ऐसा है तो चलते हैं, 2 फुट का तो गणपति अपना भाई, टेंशन नहीं है अगर। सो नाश्ता करते हैं। बाप रे जय श्री राम। क्या हाँ, ये बार तो अपन गणपति तुम्हारा भाई जैकेट डुबाने वाला भाई, कैनल में जाके है क्या ना मम्मी, और जिस दिन मैं डुबाऊंगा उस दिन मेरी बहन मेरी मम्मी वीडियो निकालेगी मेरा, है क्या नहीं? और वो सेम वीडियो हम लोग अगले साल देखेंगे गणपति विसर्जन करते टाइम वापस, है क्या नहीं? सो करते हैं नाश्ता भाई, मार्केट जाके भाजी पाला लेके आता हूँ, वेजिटेबल्स वगैरह, और मैंने मेरा काम कर लिया है, ग्लाइडर में के पत्थर उठाया, जो ये मम्मी से और शेरू से होता नहीं, ऐसे बड़े बड़े बात करते दोनों ना, ग्लाइडर के पत्थर उठा पाते ये दोनों, और हाँ कुछ भी बोलो, और इडली काटे को मिक्स करके लिया जो टिप में, अच्छा से मिक्स करा, और वाइट बोपला लाल बोपला छील के लिया एकदम, चलता हूँ गाड़ी पे और भाजी पाला लेके आता हूँ मार्केट जाके, फिर ठेला वगैरह दूंगा, मेरा काम हो जाएगा भाई, बस इतना ही बचा है जिंदगी में, इतना करके खत्म हो जाने का। फाइनली भाजी पाला सब कुछ लेके हो चुका है, बटाटा मिर्ची कोड़ी पत्ता और वाइट लाल बोपला और टमाटा, आज कांदा नहीं घेणार, कांदा उद्या घेणार वाशी, हाँ वाशी घेऊन जा, हाँ कांदा नकोच, कांदा उद्या घेतो। सो मार्केट आ गयो और भाजीपाला लेके हो चुका, चलता हुआ वाले घर पे फटाफट, और ये छोड़ देते, और ये देखो कितने प्यार से बज रहा है एकदम, इतना आवाज इतना प्यार आता है ना इसका, और हमारी मैडम आ गई है बाहर, फाइनली भैया को मिल चुकी, आजा आजा आजा, वो नहीं सुनेंगी तीना, इग्नोर नहीं मैं कुणाला, तिने कुणाला इग्नोर नहीं, तिना फुत्ता ऐकता कुणाला माहिती का, तिच्या भैयाला ऐकता तिना, बस खाली बस, हा बस बस खाली, सिट डाऊन 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 ना, गुड गर्ल, गिव सेकंड गिव सेकंड फास्ट फास्ट गिव सेकंड फास्ट गिव सेकंड गिव सेकंड, नो सिट डाऊन सिट डाऊन
गिव सेकंड। अरे यार एक हो जाते बेटी है भाई, सब फटाफट ना लेता हूँ और ब्लॉग वगैरह एडिट कर लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ भाई। और जो वाट लगती है ना भाई, तो बस अभी जो शाम के 6 बज रहे और मुझे आ रही है अभी नींद, और 7:30 बजे महादेव जी की आरती है, तो मैं नींद में से उठ के ना 1.5 घंटे का नैप ले रहा हूँ, फिर मैं जाऊँगा आरती वगैरह लूँगा और आज का काम फाइनली ख़त्म हो चुका है। सो यस्टरडे में ना मैं रात को 9 के पहले सोया और सुबह एग्जैक्ट 4 बजे उठा, और काम करने के बाद जो सुकून से नींद लगती है ना भाई, मैं तुम लोगों को क्या बोलूँ, बट जितना मेरे से हो रहा है ना मैं उतना आप लोगों को पूरा बताने का ट्राई कर रहा हूँ, और तुम लोग तो हमारे साइड से ना पूरा सपोर्ट मुझे बनाए रखना। सो आई होप तुम अभी तो मेरा ब्लॉग देख रहे हो, अगर देख रहे हो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, तब तक लाभ मिलता होगा गाइस, पीस आउट।